गाइस, तो गाइस आज हम बनाएंगे क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट। तो गाइस आज हम बनाएंगे क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट। तो गाइस बनाएंगे भी और जलाएंगे भी। तो गाइस इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और ऐसी और नई नई वीडियो देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस अब जो है यहाँ पर है हमारे पास एक बॉक्स। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बॉक्स है। और गाइस यहाँ पर है हमारे पास LED लाइट्स। यहाँ पर 15 हमारे पास LED लाइट है, 15 LED लाइट आप लोग देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर है हमारे पास चार्जर पिन और 1K रेजिस्टेंस और एक रेड एलईडी। और यहाँ पर है हमारे पास 4007 डायोड है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, ऑन ऑफ स्विच। और गाइस मेन जो सर्किट यहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हमारा माइक का जो है सर्किट बोर्ड है आप लोग देख सकते हैं, जो आवाज़ को कैप्चर करता है। इसी से जो हमारा क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट है वो बनेगा। तो गाइस सबको रखते हैं साइड में और मेन जो हमारा बॉक्स है इस पर आते हैं। पहले जो हम सब में जो है होल कर लेंगे, यहाँ पर जो हमने मार्किंग कर ली है। आप लोग देख सकते हैं सारे जो होल है वो हो चुके हैं। अब जो है LED लाइट को इसमें फिट करते हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं जो सारी LED लाइट्स है वो फिट हो चुकी हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और गाइस अब जो है इसका जो वायरिंग है वो करना है। तो गाइस अब जो है यहाँ पर जो हमारे LED लाइट्स है वो फिट हो चुकी हैं। और गाइस ये जो थोड़ी हिल रही हैं तो इनको जो है जरा हम फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं। और गाइस यहाँ पर जो है हमारे जो बल्ब है वो चिपक चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जो बिल्कुल अच्छे से चिपक चुकी हैं। तो गाइस अंदर से आप लोग जो देख सकते हैं। और गाइस अब जो इसकी जो वायरिंग है वो करना है हमको। तो गाइस यहाँ पर है हमारे पास कुछ वायर्स। तो गाइस ये जो आप किसी भी वायर में से निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके की जो वायर है वो है यहाँ पर। तो गाइस अब जो है वायरिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं सारी जो LED बल्ब है उसको हमने कनेक्ट कर लिया है। कुछ इस तरीके से इधर की जो है माइनस और इधर की जो प्लस इधर माइनस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो सारे वायरिंग हमने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर है हमारे पास ऑन ऑफ स्विच और यहाँ पर है हमारा डायोड और हमारे पास ये डायोड। तो गाइस इन सबको जो है पहले हम कनेक्ट करेंगे। पहले जो इन सबको लगा लेते हैं, इसमें फिट कर लेते हैं सोल्डर आयरन की मदद से होल करके। और गाइस यहाँ पर जो होल है वो हो चुकी है और अब जो इसमें सेट करते हैं। और गाइस हमने जो है सबको सेट कर लिया है कुछ इस तरीके से। और इसको जो है थोड़ा हम ग्लू गन की मदद से जो है जरा इसको चिपका लेते हैं। जो हमने सेट कर लिया सबको, अब इसकी जो गाइस अब जो है वायरिंग करना है। तो गाइस अब जो है इसका वायरिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है रेड LED का जो माइनस पॉइंट है इसको जो हम चार्जर पिन के माइनस पॉइंट में कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस इसको जो कनेक्ट कर लेते हैं, गाइस इसको जो कनेक्ट कर लिया हमने। और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको जो है हम जो LED बल्ब का प्लस पॉइंट है इसको जो डायरेक्ट हम चार्जर पिन में प्लस पॉइंट में कर देंगे। तो गाइस इसका जो प्लस पॉइंट है इसमें करते हैं इसको सोल्डरिंग। और गाइस ये जो हो चुका है। और गाइस जो रेजिस्टेंस है इसको जो हम चार्जर पिन के प्लस पॉइंट है इसमें जो हम सोल्ड कर लेंगे, चार्जर पिन के प्लस पॉइंट में सोल्ड कर लेंगे। और गाइस ये जो सोल्ड हो चुका है जिस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास डायोड है। तो गाइस ये इसका डायोड का जो प्लस पॉइंट है तो चार्जर पिन के प्लस पॉइंट में इसको सोल्ड कर लेंगे। तो गाइस अब जो इसको कर लेते हैं। और गाइस इसको जो हमने सारे सर्किट जो है वो सोल्ड कर लिया है और बचा जो हमारा स्विच ऑन ऑफ स्विच और बैटरी और LED।
तो गाइस अब जो है एलईडी का, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास बैटरी है, इसको जो हम यूज करेंगे जो हमारा ट्रैपिंग इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए इसका यूज करेंगे। बस ये जो है इसको निकाल लेते हैं पहले और इसमें जो है वायर कनेक्ट कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर जो जो बैटरी का प्लस पॉइंट है उसमें हमने रेड वायर सोल्ड किया है और जो माइनस पॉइंट है इसमें जो हम वाइट वायर से सोल्ड कर देते हैं। और गाइस ये सोल्ड हो चुका है। और राइट गाइस, तो अब जो है इसको कुछ इस तरीके से रख लेंगे। और गाइस जो हमारा डायोड का जो माइनस पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं, जो डायोड का माइनस पॉइंट है इसमें जो है इसमें जो प्लस बैटरी का जो प्लस पॉइंट है इसको सोल्ड कर लेंगे। बैटरी का जो प्लस पॉइंट है इसमें सोल्ड कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर जो सोल्ड हो चुका है। और जो चार्जर पिन का जो माइनस पॉइंट इधर है इसमें जो है बैटरी का जो माइनस ले गए उसको सोल्ड कर लेंगे। बस यहाँ पर जो बैटरी का माइनस ले गए उसको माइनस चार्जर पिन के माइनस लेग में सोल्ड कर लेते हैं। बस यहाँ पर जो सोल्ड हो चुका है। और यहाँ पर गाइस ये रहा हमारा मेन सर्किट। तो गाइस यहाँ पर हमारा क्लैपिंग का जो सर्किट बोर्ड वो है, इसको जो इसको भी जो है सोल्ड कर लेंगे। बस इसमें जो वायर कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा क्लैपिंग का जो सर्किट बोर्ड है इसमें जो पहले वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है इसका जो माइनस लेग उसमें कनेक्ट कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं कनेक्ट। तो गाइस अब जो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, जो कनेक्शन है वो हो चुका है। और गाइस इसका जो और ये यहाँ पर जो है दोनों जो यहाँ पर हमारा गाइस यहाँ पर जो एलईडी बल्ब का कनेक्शन जो है वो कर लेते हैं। और गाइस पहले जो है मैं एक बार आपको जला कर दिखा दूँ कि जो एलईडी बल्ब जो है सारी जल रही है कि नहीं। तो गाइस वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो एलईडी लाइट से वो जल रही है यहाँ पे, इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप लोग देख सकते हैं, पूरी जो एलईडी लाइट से वो जल रही है। तो गाइस अब जो है और गाइस अब जो है इसको जो है कनेक्ट कर लेते हैं। और गाइस अब जो जो एलईडी जो हमारा एलईडी बल्ब का जो कनेक्शन है वो इस जो हमारा क्लैपिंग सर्किट बोर्ड है उसमें कर लेते हैं। तो गाइस अब जो इसको सोल्ड कर लेते हैं, जो हमारा क्लैपिंग का सर्किट बोर्ड है उसमें जो एलईडी बल्ब का जो वायर है उसको सोल्ड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है हमने जो इसका माइनस प्लस वो भी बना दिया है। यहाँ पर जो माइनस पॉइंट है इसमें जो है जो एलईडी बल्ब का माइनस लेगा उसको सोल्ड कर लेते हैं। और जो प्लस पॉइंट है इसका उसको जो प्लस में सोल्ड कर लेते हैं जिस तरीके से। और गाइस यहाँ पर जो सोल्ड हो चुका है जो सारे सर्किट से वो कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो गाइस अभी भी जो कुछ बाकी है तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और गाइस इसमें जो वायर हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर जो हमने डायोड लगाया है इसमें जो हम बैटरी का जो प्लस पॉइंट है उसको कनेक्ट किया है ताकि जो हमारा बैटरी वो चार्ज हो सके। तो गाइस यहाँ पर जो है जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है डायोड का भी उसमें कनेक्ट कर लेते हैं वायर को एक। और गाइस यहाँ पर जो दोनों वायर्स को हमने कनेक्ट कर लिया है और इसको जो है हमारा जो ये ऑन ऑफ स्विच है इसमें कनेक्ट करना होता है। तो इसको कुछ इस तरीके से जो इसमें कनेक्ट कर लेंगे। और गाइस ये जो सोल्ड हो चुका है। और गाइस यहाँ पर हमारा बचा इसका कनेक्शन क्लैपिंग का और इसका। तो गाइस अब जो है इसका जो प्लस पॉइंट है इसको जो हम स्विच में कनेक्ट करेंगे।
और गैस इसको जो हमने सोल्ड कर लिया है स्विच में, और गैस इसका जो माइनस पॉइंट है इसको जो है इस चार्जर पिन का जो माइनस पॉइंट उसमें सोल्ड करेंगे। तो गैस इसको सोल्ड कर लेते हैं माइनस पॉइंट में। और गैस अब जो ये सोल्ड हो चुका है, और गैस अब जो है हमारी जो सारी सर्किट से वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और गैस हमने जो सारा कनेक्शन वो कर लिया है। तो गैस यहाँ पर जो हमारा क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो गैस ये रहा हमारा क्लैपिंग इमरजेंसी। ओ भाई क्या दे देते आप, कुछ भी दे देते हो बताकर, कुछ भी कुछ भी। तो गैस ये रहा हमारा क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट। तो गैस आप लोग देख सकते हैं ये जो क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट है वो बनकर रेडी, आप लोग देख सकते हैं ये जो सारा कनेक्शन है सब हमने कर लिया है, और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। और गैस इसको जो हमने ओपन कर लिया है आप लोग देख सकते हैं, और गैस इसका जो सारा वायरिंग से वो कनेक्ट हो चुका है। और गैस मैं आपको एक बार और समझाना चाहूँगा सारी जो वायरिंग से उसको। तो गैस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक चार्जर पिन और एक रेड LED ऑन ऑफ स्विच। तो गैस मैं इसको पहले बता देता हूँ। और गैस ये जो चार्जर पिन का जो ये प्लस पॉइंट ये माइनस पॉइंट, तो गैस ये प्लस ये माइनस। तो गैस जो रेड LED का माइनस पॉइंट है ये जो चार्जर पिन के माइनस पॉइंट में कनेक्ट है, और यहाँ पर हमारे पास जो रेड LED का प्लस पॉइंट है ये 1K रेजिस्टेंस में कनेक्ट है। और गैस ये जो 1K रेजिस्टेंस है ये चार्जर पिन के प्लस पॉइंट में कनेक्ट है। तो गैस यहाँ पर हमने एक 4007 डायोड लिया है, और गैस इसका जो चार्जर पिन के प्लस पॉइंट में डायोड कनेक्ट है, और इसका जो माइनस पॉइंट है डायोड का उसमें हमने बैटरी को कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और गैस जो बैटरी का प्लस पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, तो इसका जो प्लस पॉइंट है इसमें डायोड में कनेक्ट है कि जो हमारा बैटरी है वो चार्ज होता रहे। और गैस इसका जो माइनस पॉइंट है ये जो चार्जर पिन के माइनस पॉइंट में कनेक्ट है। तो गैस आपको आपने जान लिया। और गैस जब जो चार्जर पिन हम चार्ज करेंगे बैटरी को, तो गैस यहाँ पर जो रेड LED वो जलेगा इंडिकेट करेगा। तो गैस यहाँ पर जो ऑन ऑफ स्विच है ये जो है डायरेक्ट डायोड में कनेक्ट है, ऑन ऑफ स्विच का एक वायर डायोड में, और गैस एक जो वायर है ऑन ऑफ स्विच का इसमें कनेक्ट है, हमारे जो क्लैपिंग का सर्किट बोर्ड उसमें कनेक्ट है। तो गैस ये जो है डायरेक्ट जो है पावर देता है इसको, और गैस इसका जो माइनस पॉइंट है ये जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको भी ये पावर देता है, ये जो प्लस पॉइंट ये माइनस पॉइंट। तो गैस आप लोग देख सकते हैं, और गैस यहाँ पर जो है इसका आप लोग देख सकते हैं दो वायर LED का दो वायर है, ये वाला जो ब्लू वाला है ये प्लस है और जो वाइट वाला है ये माइनस है। तो गैस ये जो माइनस है और ये प्लस, तो गैस इसका जो दो वायर है यहाँ पर है जो LED लाइट्स के जो वायर है यहाँ पर है, ये प्लस पॉइंट ये माइनस पॉइंट। तो गैस इसी तरह से ये प्लस माइनस, तो सबको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। आप लोग देख सकते हो कुछ इसी तरीके से कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ से दो वायर निकलती हैं, तो ये जो है डायरेक्ट जो इसमें कनेक्ट हो चुकी है सर्किट बोर्ड में, जो कि यहाँ पर मोटर का जो कनेक्शन वो होता है। तो गैस हमने मोटर नहीं लगाया है, डायरेक्ट जो है हमने LED में कनेक्ट कर लिया है दोनों वायर्स को। और गैस यहाँ पर जो क्लैपिंग का जो है यहाँ पे माइक का जो वायर है वो दोनों कनेक्ट है। तो गैस उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये सारी वायरिंग से वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो गैस ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गैस मैं आपको एक बार जला कर दिखाता हूँ, और जो चार्जर पिन वो चार्ज करके भी दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं चार्ज करके दिखाता हूँ। तो गैस यहाँ पर जो हमारे पास ये चार्जर पिन, तो गैस इसको जो मैं लगाता हूँ, और गैस आप लोग देख सकते हैं जो रेड LED है वो जल रही है यहाँ पे, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये जलती है। और मैं कुछ इस तरीके से अगर इसको निकाल दूँ तो ये जो बंद हो गया, और मैं फिर से लगा दूँ तो ये जो लाइट है वो चालू होगा, चालू हो गया रेड LED, और गैस यहाँ से ऑन हो जाता है कुछ इस तरीके से। और गैस आप लोग देख सकते हैं जो LED लाइट से वो कैसे जल रही है। और गैस मैं इसको निकाल देता हूँ, और गैस जो बैटरी है वो हमारी जो चार्ज है। और गैस इसको जो हम क्लैप करके थोड़ा आपको बता देते हैं ये जो कैसे काम करता है। तो गैस यहाँ पर इसका जो माइक है उसको जरा मैं इसे घुमा देता हूँ, और गैस मैं क्लैप करता हूँ, और गैस आप लोग देख सकते हैं जो हमारा क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट है वो काम कर रहा है। गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हमारा क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट है वो काम कर रहा है। मैं एक बार दाल बजाता हूँ तो चालू हो जाता है, और फिर मैं एक बार बजाता हूँ तो बंद। तो गाइस कुछ इसी तरीके से गाइस आप अंधेरे में कुछ इसी तरीके से रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दो, लेकिन गाइस ज़्यादा दूरी पर नहीं रहना चाहिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से रख सकते हैं आप इसको, और गाइस कुछ इस तरीके से आप क्लैप करते हैं तो ये जो लाइट से वो चालू हो जाता है। और गाइस आप देखिए कुछ इस तरीके से चालू बंद होता है। तो गाइस अब जो है थोड़ा हम इसका जो जो
ब्राइटनेस है वो दिखाते हैं कितना तेज है अंधेरे के अंदर जला के। ऐसे यहाँ पर जो हमारा एलईडी लाइट्स है वो है, तो गाइस आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ। तो गाइस अभी जब पूरा अंधेरा है अब जो है लाइट को जलाते हैं, तो गाइस अब जो जलाते हैं लाइट को, कहाँ गया स्विच, कहाँ गया यार, मैंने बना भूल गया। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एलईडी लाइट है वो कैसे चल रहा है, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो आप लोग देख सकते हैं, इसका जो ब्राइटनेस है वो कितना तेज है, और इसके गाइस कंटिन्यू हम नहीं देख सकते हैं जो आँख पे बहुत तेज लगता है, गाइस इसको जो हम कंटिन्यू नहीं देख सकते हैं। और गाइस इसका जो ब्राइटनेस है वो आप लोग देख सकते हो कितना इसका जो ब्राइटनेस है वो है, आप लोग देखिए ज़रा, तो गाइस यहाँ पर जो हमारा एलईडी लाइट है वो जल रहा है। और गाइस यहाँ पर जो मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया है एलईडी लाइट को, और गाइस मैं क्लैप कर दिया बंद हो गया, और गाइस इसको जो एक बार मैं क्लैप करके जलाता हूँ, कहीं पर भी अंधेरे में रख दे इसको और इसके कुछ इस तरीके से क्लैप करे तो ये जो जल जाता है, और फिर से क्लैप करे तो बंद ऑन ऑफ, और गाइस कुछ इसी तरीके से जो है ऑन ऑफ होता रहेगा जो एलईडी लाइट है। तो गाइस आप लोगों ने देख दिया, तो गाइस यहाँ पर जो हमारा एलईडी लाइट्स क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट्स है वो आपने देख लिया कि जो हमारा क्लैपिंग इमरजेंसी लाइट है वो कैसे हमने बनाया और कैसे काम किया, तो गाइस आप लोगों ने देख लिया। तो गाइस अगर इस वीडियो में आया आपको मज़ा, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी और नए नए वीडियो देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।